What's up everyone? Welcome back to the channel, guys. आज हम लोग आ गए हैं. बस हमारे कंपनी लॉ के तीन टॉपिक बचे हैं. अल्ट्रा वायरस बचा है, इंडोर मैनेजमेंट बचा है और AOA बचा है. तो तीन टॉपिक बचे हैं. मोस्ट प्रोबेबली आज दो हो जाएंगे, एक बचेगा तीसरा, वो मैं कल करा दूंगा. और अगर ऐसा हुआ कि आज ही, तो आज ही खत्म कर देंगे. तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से पूरा कंपनी लॉ हमने पढ़ा है. मेरे हिसाब से 10 लेक्चर्स में पूरा लॉ खत्म हो गया है कंपनी लॉ. इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से कुछ भी चालू करेंगे और देखते हैं कि उनको किस तरीके से पढ़ना है. और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ. बट नया लॉ शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इस पूरे कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेड येल्लो ग्रीन बना के करा दूंगा. रेड येल्लो ग्रीन का क्या मतलब है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडिएट इंपॉर्टेंट और वेरी लेस इंपॉर्टेंट. तो तीन कैटेगरी में कराऊंगा, क्वेश्चन सारे कराऊंगा, बढ़िया कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो चलो जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, शुरू करते हैं, समझते हैं अगले टॉपिक्स को. लेट्स बिगिन. चलो जी शुरू करते हैं बच्चों. हम लोग आज का टॉपिक आपके मॉड्यूल में टॉपिक नंबर 8 तक, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. सर ये वायरस क्या, ये वायरस वो वाला वायरस है जो पीसी में आ रहा है या लैपटॉप में आ रहा है, क्या ये वही वाला वायरस है? नहीं जी, नहीं, ये वो वायरस नहीं है बच्चों. अब मैं आपको सारी चीज़ें बड़े तरीके से समझाता हूँ है क्या ये. सबसे पहले बच्चों डॉक्ट्रिन को तोड़ते हैं कि ये डॉक्ट्रिन क्या है. डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सेट ऑफ रूल्स, कोई भी बिलीफ, कोई भी लॉ. तो आप ये समझ लो एक तरीके से कोई भी प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते थे ना कि मैनेजमेंट कैसे करना, वैसे ही ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको क्या बता रहे हैं. देखो अल्ट्रा का क्या मतलब होता है और वायरस का क्या मतलब होता है. एक हो गया अल्ट्रा और एक हो गया वायरस. तो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव्स या फिर पावर्स. तो यहां पे बेसिकली ये प्रिंसिपल है जो ये बता रहा है कि अगर कोई एक्ट ऐसा करा गया है विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव्स या विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, तो हम ऐसी एक्ट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में यहां पे बात करेंगे, हम यहां पे सीखेंगे जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं लिखे हुए. अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ना बच्चों, ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको 6 क्लॉजेस पढ़ाए थे, सातवां भी था एक जो ओपीसी के लिए था, जिसको मैं लिख देता हूँ नॉमिनी क्लॉज. ठीक है, चलो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लॉज लिख दो कि एमओए में कौन कौन से क्लॉज होते हैं, फटाफट से आपको पता होना चाहिए. उसमें से एक क्लॉज था बच्चों ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो कि कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी क्या काम करने वाली है, अभी क्या कर रही है या फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से एक्ट करेगी, क्या क्या काम करेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगी, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किस चीज का बिजनेस करेगी, सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है. अब कई बार कंपनी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर जाती है जो उनके ऑब्जेक्ट्स में लिखा ही नहीं है. तो सर अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज नहीं लिखी है और कंपनी एक ऐसे किसी प्रोजेक्ट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई है, तो फिर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वैलिड का मतलब जेन्युइन होना, सही होना, या वो गलत है? गलत का क्या वर्ड यूज करा जाता है लॉ में? वॉइड. ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे. तो वैलिड जो सही होना और वॉइड यानी जो गलत होना, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वो चीज है ही नहीं, वो चीज होनी पॉसिबल ही नहीं है, उसका मतलब है void. ठीक है, तो एक तरीके से कैंसिल कर दो, वो चीज void है. तो ये है कि अगर कोई ऐसा एक्ट कंपनी ने करा विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, तो वो वैलिड है या void है, उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. हम लोग बड़े डिटेल में इस पूरे डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करेंगे. देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली
बियॉन्ड देयर पावर्स, इसका मतलब कंपनी ने कोई तो चीज ऐसी करी है विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, राइट. द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट्स डन, किस पे लगता है, इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स. अब सर डूअर कौन हो सकते हैं? डूअर हो सकता है डायरेक्टर हो, डूअर हो सकता है कंपनी खुद हो, मतलब कोई भी हो सकता है. तो अगर कोई भी चीज़, सपोज मुझे एक लिमिट तक पावर दी गई है और मैं उस पावर से बाहर जाके कोई काम कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो वो है मेरे लिए अल्ट्रा वायरस. ठीक है, अल्ट्रा वायरस मतलब कि वो मेरे पावर से भी एक्सीड करके आगे जाके मैं काम कर रहा हूँ, समझे. देयर दिस प्री सपोज दैट द पावर्स इन देयर नेचर आर लिमिटेड. ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया. चलो जी, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है. एनी एक्ट डन, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं ना वही चीजें इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा हुआ है? एनी एक्ट डन और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ. इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है जो कंपनी की पावर से बियॉन्ड है, चाहे वो डायरेक्टर के लिए हो, चाहे वो कंपनी के लिए हो, ठीक है. अब देखो जब हम कंपनी, देखो यहां पे दो चीजें यूज हुई हैं, या तो अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी या फिर अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स. अब अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी में दो चीजें आती हैं, एमओए और एओए. तो अल्ट्रा वायरस में टोटल जो टॉपिक्स बनेंगे वो तीन बनेंगे. सबसे पहला अल्ट्रा वायरस टू एमओए, दूसरा अल्ट्रा वायरस टू एओए, तीसरा अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स. तो जब भी हम अल्ट्रा वायरस टू कंपनी बोल रहे हैं तो कंपनी में एओए और एमओए दोनों की बात हो रही है, और जब हम डायरेक्टर्स बोल रहे हैं तो डायरेक्टर्स की खुद की बात हो रही है. तो इनके बाहर अगर कोई भी एक्ट करा गया है तो उसके लिए कंपनी बाउंड नहीं है, वो वॉइड है, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो है ही नहीं प्रेजेंट. ठीक है, एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. ठीक हो गया जी, क्लियर है. इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट अ कंपनी कैन नीदर बी स्यूड ऑन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नॉर इट कैन स्यू ऑन इट. अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है तो ना तो उस ट्रांजेक्शन के लिए कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता और ना कंपनी ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए किसी के ऊपर केस कर सकती. सर इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा अच्छे से समझाओ ना. आओ पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम्हें पता होना चाहिए ये पहला पॉइंट अल्ट्रा वायरस में, ये दूसरा पॉइंट अल्ट्रा वायरस में, ये तीसरा पॉइंट अल्ट्रा वायरस में. पूरा नहीं, इतना इतना ही आपको नोट्स बनाने हैं. ठीक है, चलो सर आगे देखो क्या लिखा हुआ है. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझो क्या है जी. इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म्ड एनी सर्विस ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट. लिखा हुआ है अगर आपने कोई गुड्स भेजे हैं या कोई सर्विस करी है ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अल्ट्रा वायरस था, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में वो नहीं है, आपने गुड्स बेच दिए. फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है कि हम लोग के ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि हम कपड़े का ही बिजनेस करेंगे, कपड़े से रिलेटेड ही हम बिजनेस करेंगे. वी विल सेल गारमेंट्स, वी विल सेल एनीथिंग रिलेटिंग टू क्लोथ्स, ऐसा उसमें लिखा हुआ है. और हमने कोई एसी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया, मेरे ऑब्जेक्टिव में तो वो था ही नहीं. तो अगर आपने कोई भी ऐसा परफॉर्म करा है एक्ट जो कि आपके ऑब्जेक्ट से बाहर है, आपके अल्ट्रा वायरस हो गया, कोई ऐसी सर्विस हुई, तो इस सिचुएशन में यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट. बात समझे, क्लियर है, सही है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज जो अल्ट्रा वायरस है वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं की वहीं वॉइड है, तो फिर उसके अंदर किसी तरीके का फर्दर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है. सही है, परफेक्ट है. बाकी आगे क्या लिखा हुआ है. एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड, वो वॉइड होता है, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी. इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता. रेटिफाई का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन, ये रेटिफाई का क्या मतलब है. रेटिफाई का मतलब होता है बच्चों कि क्या कुछ चीजों में चेंज करके इसको हम वॉइड से वैलिड बना सकते हैं, क्या कुछ चीजों में चेंज करके उसको हम वॉइड से वैलिड बना सकते हैं. कि मैं अगर मेमोरेंडम में ही ऑल्टरेशन कर दूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं मेमोरेंडम में ही ऑल्टरेशन कर दूं
और मैं ये बोलूँ कि मेरे मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव लिखा था वो ये लिखा था कि हम कपड़े बेचेंगे, अब मैं उसमें ऑल्टरेशन कर देता हूँ, मेमोरेंडम में चेंज कर देता हूँ। मेमोरेंडम में चेंज कब होता है? जब SR पास हो, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% का कम से कम हम लोगों को वोटिंग चाहिए, मेजॉरिटी कंसेंट चाहिए 75% का। तो अगर मैं SR पास करके और चेंज कर दूं अपने ऑब्जेक्टिव को, मैं उसके अंदर लिख दूं कि भैया मैं अब सिर्फ कपड़े ही नहीं, मैं इक्विपमेंट्स भी बेच सकता हूं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्या अब वो रेटिफाई हो गया, क्या वो ठीक हो गया? तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो चेंज से पहले हो चुका है ना, चेंज से पहले हो गया, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड ही हैं। आज चेंज किया, आज के बाद में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में इक्विपमेंट्स में भी डील कर सकता हूँ, कपड़े में भी डील कर सकता हूँ, लेकिन आज से पहले वाले तो सारे ही वॉइड है, तो रेटिफाई नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है। बट क्या सर कोई भी रेटिफाई नहीं हो सकता? क्या सर कोई भी रेटिफाई नहीं हो सकता? आओ मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं, इसके लिए आप एक काम करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा नोट बनाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? कि वो चीज बियॉन्ड पावर्स हुई है, यानी जहां तक हमारी पावर्स हैं उससे बाहर जाके हुई है। अब अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी हो सकता है, अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी, या फिर अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स, ये हो सकता है। अब जब अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी बोलते हैं तो अल्ट्रा वायरस टू MOA हो सकता है, अल्ट्रा वायरस टू AOA हो सकता है, और तीसरा क्या है? अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स हो सकता है। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट है। अब जब हम MOA की बात करते हैं या जब हम AOA की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम MOA के ऑब्जेक्टिव क्लॉज के बाहर, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कुछ नहीं कर सकते, AOA के जो भी रूल्स हैं उन रूल्स के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टर की जो पावर्स हैं डायरेक्टर अपनी पावर्स के बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कर जाएं, अगर वो कर जाएं तो MOA के बाहर तो बच्चों डायरेक्टली वॉइड है। MOA के बाहर क्या होता है? वो डायरेक्टली वॉइड हो जाता है, सीधा सीधा वॉइड हो जाता है। अगर AOA के बाहर हो कोई चीज, इसका मतलब यह है डायरेक्टली वॉइड है, कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया ना, रेटिफाइड का क्या मतलब होता है? रेटिफाइड का मतलब होता है बच्चों कि हम उसको वॉइड से वैलिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रेटिफिकेशन का मतलब ध्यान रखना, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड से वैलिड करना, कि हम कुछ चेंजेस कर दें MOA में, कुछ चेंजेस कर दें तो क्या वो वॉइड से वैलिड हो सकता है? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। लेकिन अगर वो AOA के बाहर है ना कोई चीज, अगर वो चीज AOA के बाहर है तो ध्यान रखना इट कैन बी रेटिफाइड। AOA के बाहर बच्चों वो रेटिफाइड हो सकता है, वो रेटिफाइड हो सकता है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्ट बियॉन्ड MOA जाके हो रहा है तो वो रेटिफाई नहीं होगा, वो पहले दिन से नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड का मतलब जीरो है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। AOA के बाहर जाके अगर कोई चीज हुई है तो AOA के बाहर वाले में ये चीज लॉ बोलता है कि वो रेटिफाई हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। क्या सर अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर से बाहर जाए कोई काम कर रहे हैं, क्या ये भी पहले दिन से वॉइड है? नहीं, ये भी रेटिफाई हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड। काफी डिटेल डिस्कशन है ये, काफी सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्दो पूरा इतना अच्छे से लिखा नहीं हुआ मॉड्यूल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? अल्ट्रा वायरस में टू द कंपनी और टू द डायरेक्टर, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है। टू द कंपनी जब हम बोलते हैं तो MOA, AOA, और तीसरा क्या हो गया? टू द डायरेक्टर। MOA ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर, AOA रूल से बाहर, डायरेक्टर अपनी लीगल पोजीशन के बाहर कोई काम नहीं कर सकते। अगर कर जाए तो क्या वो रेटिफाई किया जा सकता है? हाँ, बाद में रेटिफाई किया जा सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि भैया क्या लॉज हैं, किस तरीके से हम उसमें अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, किस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं कंपनी के रूल्स में। उसके बाद AOA में भी यही आ गया। MOA में ध्यान रखना, MOA में पहले दिन से वॉइड है, उसको हम रेटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक हो गया, परफेक्ट है, सही है जी, ओके सर। आगे क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है यहां पे, एक चीज ध्यान रखना, लिखा हुआ है समटाइम्स एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। आप उसको रेगुलराइज कर सकते हो, आप उसको ठीक कर सकते हो बाद में रेटिफाई करके। फॉर इंस्टेंस इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, अब देखो क्या लिखा हुआ है, अगर वो अल्ट्रा वायरस है डायरेक्टर्स को तो शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकते हैं। इफ इट इज अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स। इफ इट इज इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इररेगुलरली शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। इसका मतलब अब देखो यहां पे एमओए के बाहर की बात नहीं लिखी, क्योंकि एमओए के बाहर वो रेटिफाई हो ही नहीं सकता। रेटिफाई सिर्फ कौन सा होगा, या तो अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स या अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स, वो ही रेटिफाई हो सकता है। समझे? बढ़िया लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन में। अब आ गया बेटा एक केस लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया, सावधान इंडिया सवाल। ये केस लो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के साथ ये केस लो लिखना ही लिखना है। कौन सा? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची 1875। अब देखो क्या है बच्चों, एक रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी है। रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी क्या बनाती होगी? रेलवे लाइंस बनाती होगी, रेलवे इंजन्स बनाती होगी, रेल के डब्बे बनाती होगी, रेल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती होगी। तो रेलवे कैरेज कंपनी है, ठीक है? अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो बहुत क्लियर है, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वर टू मेक, टू सेल, टू लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। रेल के कैरियर्स बनाती है बेसिकली ये, ठीक है? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिकल से रिलेटेड काम है इसका। टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस, माइंस का काम है इसका। टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल, टिम्बर, मेटल्स। तो देखो ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अब जो डायरेक्टर्स हैं एशबरी के, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, उन्होंने एंटर करा एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? रिची के साथ। रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा ये। तो रिची के साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और इन्होंने क्या करा, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, हो क्या रहा है, इन्होंने रिची को बोला कि भैया ऐसा है बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बनेगी, बेल्जियम में क्या बनेगी, एक रेलवे लाइन बनेगी और हमें उसका फाइनेंसिंग हम कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे उसकी फाइनेंसिंग, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे इनके ऑब्जेक्ट में कहीं भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज लिखी है क्या? क्या कहीं भी ऐसा लिखा है कंपनी फाइनेंसिंग कर सकती है, कंपनी पैसे का लेन देन कर सकती है, कंपनी लोन दे सकती है, लोन ले सकती है किसी भी काम के लिए? इनका ऑब्जेक्ट लोन का लेन देन है ही नहीं। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इनका ऑब्जेक्ट तो रेलवे के डब्बे बनाना है, इनका ऑब्जेक्ट तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इनका ऑब्जेक्ट तो माइंस का है, इनका ऑब्जेक्ट तो एजेंट कोल, टिम्बर, मेटल, ये सब का काम करना है। ये चीज यहाँ पे फाइनेंसिंग का धंधा कहां से आ गया, पैसे का लेन देन कहां से आ गया? तो ये तो अल्ट्रा वायरस हो गया, बियॉन्ड द एमओए हो गया है। तो क्या ये रेटिफाई करा जा सकता है? वीडियो पॉज करो, फटाफट से लिखो, क्या ये रेटिफाई किया जा सकता है? मैं एमओए चेंज कर देता हूँ, एमओए में पांचवा क्लॉज लिख देता हूँ, नंबर ई, फाइनेंसिंग द रेलवे प्रोजेक्ट्स, ऐसा लिख देता हूं। क्या ये रेटिफाई हो पाएगा? लिख दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग अ एसआर। कंपनी ने बाद में रेटिफाई भी कर दिया कि ठीक है लो जी इसमें लिख दिया। हाउएवर रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस एंड रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हुआ क्या, कंपनी ने तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, कंपनी ने तो रिची को बोल दिया कि ठीक है यार रेलवे लाइन बनाएंगे और पैसा हम फाइनेंस कर देंगे, बट कंपनी की खुद की हालत बाद में खराब निकली। कंपनी ने बोला यार हम कैसे देंगे रिची को पैसा, वादा तो कर दिया। अब डायरेक्टर बोल रहा है यार वादा तो कर दिया अब क्या करूं। जब उसने कंपनी में डिस्कशन किया तो कंपनी ने बोला भाई ऐसा है, सुन, उसको समझा कि भाई पैसा नहीं दे पाएंगे, ये तो हमारा अल्ट्रा वायरस है, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में आता ही नहीं, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट्स में आता ही नहीं है, तो अल्ट्रा वायरस है, हम नहीं कर सकते भाई ये काम। अब रिची को बुलाया अगले दिन, रिची को बुलाया, रिची को बोला भाई देख ऐसा है, हमने तेरे को बोल दिया था लेकिन ये अल्ट्रा वायरस है, ये पूरा नहीं हो सकता। रिची ने बोला भैया सुनो,
मैं तो सब प्रॉमिस प्रॉमिस कर चुका हूँ कि रेलवे लाइन बिछाएंगे, मैंने तो काम भी चालू करा दिया, मुझे पैसे की जरूरत थी थोड़ा, तो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू करा दिया, पैसा दो, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, मैं तो आपके ऊपर केस करूंगा कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, और मैं तो आपसे कंपनसेशन भी लूंगा, मेरा घाटा हो रहा है। तो रिची पहुंच गया कोर्ट में भैया। अब हुआ क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, रिची द कंपनी हाउवर रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब कंपनी ने बोला भाई अल्ट्रा वायरस है हम तो नहीं कर सकते, एंड रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस। रिची ने क्या करा, एक्शन फॉर डैमेजेस डाल दिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मेरे डैमेज हुआ है, मुझे नुकसान हुआ है। हिज कंटेंशन वॉज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। रिची ने बोला कि ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, इसका मतलब भी तो यही है कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ फाइनेंसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये तो इनके मेमोरेंडम में आता है, ये तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ये अल्ट्रा वायरस नहीं है। तो फिर कोर्ट ने क्या बोला, इट हैड बीन, और उसके साथ साथ रिची ने क्या बोला, मोर ओवर इट हैड बीन रेटिफाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ने रेटिफाई भी किया हुआ है। हाउएवर इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट The contract was null and void. Contract ने क्या बोला, भैया ये contract void है पहले दिन से, ये literally ultra-virus ही है, company का काम financing कहीं से लेके कहीं तक है ही नहीं, company कब से finance करने लगी, तो ये जो भी contract आपने company के साथ किया Mr. Ritchie, this is null and void, तो इससे related company बिल्कुल भी bound नहीं है कोई भी action perform करने के लिए, ये तो आपको ध्यान से देख के करना चाहिए था ना, company का MOA पढ़ो यार, वो तो एक जनरल डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है, आप उसको पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट के में आओ किसी भी कंपनी के साथ, ताकि आपको समझ में आए कंपनी किस चीज को परफॉर्म कर सकती है किसको नहीं कर सकती। तो कंपनी ने ये जो काम लिखे हैं बस यही कर सकती है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में नहीं आएगा, दिस इज नल एंड वॉइड। इट इज सेड दैट द टर्म्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वॉज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, जो कि कंपनी का मेन बिजनेस भी है, तो यहां पे इसको नल एंड वॉइड माना गया और अल्ट्रा वायरस माना गया। बात समझ आई क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, एक अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बाइंडिंग ऑन द कंपनी नहीं होता, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस, ये कभी भी इंट्रा वायरस नहीं हो सकता, बाय रीजन ऑफ एस्टोपल एक्विंसेंस लैप्स ऑफ टाइम डिले और रेटिफिकेशन, चाहे आप रेटिफिकेशन कर लो, चाहे आप डिले कर लो, चाहे आप लैप्स ऑफ टाइम कर लो, चाहे आप एस्टोपल लगा लो, कुछ भी कर लो, ये कभी भी इंट्रावायरस नहीं होगा। इंट्रावायरस का मतलब जो पावर्स के अंदर है, विद इन द पावर्स है, अल्ट्रावायरस क्या होता है, बियॉन्ड द पावर्स है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस है, अगर उसकी समरी लिखें, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की अगर समरी लिखें, तो ये समरी है बच्चों, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच थ्रू विच दो लीगल इन इटसेल्फ, एक्ट लीगल है, फाइनेंसिंग करना गलत नहीं था, देखो लीगल था, बट इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम में नहीं है, ठीक है, और बाय द स्टेट्यूट या लॉ में नहीं है, इट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस द कंपनी, वो अल्ट्रा वायरस कहलाता है और वो नल एंड वॉइड बोला जाता है। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, जो अल्ट्रा वायरस है, कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, अब ये भी रेटिफाई नहीं हो सकता। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स को अल्ट्रा वायरस है, बट इंट्रा वायरस द कंपनी कैन बी रेटिफाइड, ये रेटिफाई किया जा सकता है बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग। देखो ये मैंने आपको बताया ना, अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर रेटिफाई हो सकता है, अल्ट्रा वायरस द एओए रेटिफाई हो सकता है, अल्ट्रा वायरस द एमओए रेटिफाई नहीं हो सकता। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, अगर वो आर्टिकल्स अल्ट्रा वायरस है, इट कैन बी रेटिफाइड बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आई होप आप लोग को डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझ में आया होगा। अब ये 4 नंबर में भी आता है, 6 नंबर में भी आता है, अगर आप मॉड्यूल में जाओगे तो 6 नंबर में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जब 6 नंबर में लिखना होगा सर, तो पूरा डिटेल में लिखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, ये सारी की सारी चीजें लिखना कि किस तरीके से अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी होता है, उसके 2 पार्ट्स, अल्ट्रा वायरस टू एमओए, अल्ट्रा वायरस टू एओए, किस तरीके से अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स होता है, पूरा का पूरा डिटेल में लिख देना, केस लॉ लिख देना उसके नीचे पूरा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से रिची वाला, और बढ़िया तरीके से जब डिफाइन करोगे एक्सप्लेन करोगे तो पूरे 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर में भी आ सकता है, उसको भी कैसे लिखना है वो लॉ खत्म करते ही मैं आपको समझा दूंगा।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अब आगे चलते हैं, AOA वाला टॉपिक है नेक्स्ट, उसको करते हैं, फिर एक डॉक्ट्रिन और बचेगा वो कल पढ़ेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, AC काम नहीं कर रहा मेरा, तो पढ़ाना बहुत कठिन हो रहा है। तो पहले आप ये पूरा करो, जो हमारा AOA वाला है वो पूरा करते हैं, और अगला जो डॉक्ट्रिन है वो कल पढ़ाता हूँ, ठीक है? लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। MOA बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, अब AOA पढ़ने की बारी है। एक डॉक्ट्रिन पढ़ लिया आज हम लोगों ने, ठीक है, अल्ट्रा वायरस पढ़ लिया, इंडोर मैनेजमेंट कल पढ़ाऊंगा, आज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को समाप्त करते हैं और कल हम लोग फिर कंपनी लॉ पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? देखो क्या है ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज AOA। AOA के बारे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें पहले भी डिस्कस कराई हैं, AOA हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस करा है, और वही सारी चीज़ें बस अब दोबारा एक तरीके से हम मॉड्यूल में से पढ़ रहे हैं। मेमोरेंडम क्या बताता था? मेमोरेंडम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताता था, अलग अलग क्लॉजेज होते थे, अलग अलग तरीके से मेमोरेंडम को मेन डॉक्यूमेंट भी बोला जाता था। किसके लिए होता था मेमोरेंडम? आउटसाइडर्स के लिए होता था। इनसाइडर्स के लिए क्या है, या इंटरनल मैनेजमेंट के लिए क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट का कितना रोल है, इंटरनल मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या उन पर रूल्स एप्लीकेबल होंगे, हर तरीके के रूल्स, वो सब कहाँ लिखे होंगे? वो सब AOA में लिखे होंगे बच्चों। तो MOA और AOA दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट MOA सबसे पहले बनता है, AOA बाद में बनता है। है क्या AOA? द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिमाग में रखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंटरनल अफेयर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है? द जनरल फंक्शंस ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन एम्पली समड अप बाय द लॉर्ड कैरेंसन एशबरी कैरेज कंपनी वर्सेस रिची एज फॉलोज। अब देखो रिची वाले केस में भी वही आर्टिकल्स की बात हुई थी या नहीं हुई थी बार बार, कि आर्टिकल्स रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उसके बाहर नहीं जा सकते, है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल्स प्लेज अ पार्ट सब्सिडरी टू MOA। आर्टिकल क्या माना जाता है? मेमोरेंडम के सब्सिडरी माना जाता है। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर, मेमोरेंडम को तो चार्टर बोला जाता है, एंड सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन। अब आर्टिकल्स में क्या है? ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, पावर्स हैं, गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्व्स एंड द कंपनी एंड द मोड ऑफ फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड ऑन, ठीक है? तो बेटा जी बेसिकली मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, आर्टिकल्स में सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट का काम ये सब बताया गया है, ठीक है? उसके बाद क्या दे रहा है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, हेंस इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली। कुछ खास नहीं है, बस ये लिखा हुआ है प्रॉपरली लॉज के हिसाब से, प्रॉपर पैटर्न में, वही पैराग्राफ्स के अंदर पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से, वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही ये भी बनाया जाता है, जैसे MOA बनाया जाता है वैसे ही ये भी बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, ये है आप देखो मेन चीज, कॉन्टेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या कॉन्टेंट होगा AOA में, क्या क्या मॉडल है, किस तरीके से AOA बनता है। नंबर वन, सबसे पहले आर्टिकल्स में क्या आएगा, रेगुलेशंस। नंबर वन इज रेगुलेशंस, सबसे पहले इसके अंदर बच्चों रेगुलेशंस आ जाएंगे। सर रेगुलेशंस किस चीज से रिलेटेड आ जाएंगे? भाई हर चीज, जितने भी रूल्स चाहिए शेयर्स के, जितने भी रूल्स चाहिए डायरेक्टर्स की पावर्स हो गई, ड्यूटीज हो गई, प्रमोटर्स से रिलेटेड चीजें हो गई, हर तरीके के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, लोन वोन लेना है, डिबेंचर इशू करने हैं, क्या रूल्स हैं, सबसे रिलेटेड चीजें कहाँ पे लिखी होंगी, AOA में लिखी होंगी। दूसरा देखो इंक्लूजन क्या है, द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, हाउएवर अ कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड सच एडिशनल मैटर्स इन इट आर्टिकल्स एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी। मैनेजमेंट को जो चीज़ें जो रूल्स में है वो तो चलो आर्टिकल्स में भरना ही है, जो कंपनी लॉ बोलता है, उसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हमें कुछ और भी लिखना है तो वो भी वो लिख सकते हैं, ठीक है? इट कंटेन्स प्रोविजन्स फॉर एंट्रेंचमेंट। सर वॉट इज एंट्रेंचमेंट? यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये एंट्रेंचमेंट होता क्या है। आओ जरा मैं आपको एंट्रेंचमेंट बता दूं कि ये एंट्रेंचमेंट होता क्या है। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है बच्चों, देखो बेसिकली जब हम चेंज करते हैं ना आर्टिकल्स में, जब हम आर्टिकल्स में चेंज करते हैं तो हम लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। देखो दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हम लोग को मेजॉरिटी चाहिए होती है शेयर होल्डर्स की, यानी जो वोटिंग होती है ना,
जब मेजोरिटी होगी यानी ग्रेटर देन 50% जैसे ही वोटिंग होगी तो आप कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। तो आपको कुछ छोटर पुटर चीज चेंज करनी है तो वहां पे ओआर पास करके काम हो जाता है। जब आर्टिकल जैसी चीज में चेंज करना होता है, जब आर्टिकल्स को चेंज करना होता है, कुछ उसमें बदलाव करना होता है, तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% को 75% वोटिंग चाहिए, यानी कुछ भी चेंज करना है तो 75% लोग उस चीज पे एग्री करने चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कोई मैटर है, और आपको ऐसा लगता है कि 75% भी कम है यार, हमें तो ऐसा चाहिए कि 90% लोग इस चीज पे एग्री करें, 90% वोटिंग हो इस चीज के फेवर में, तब ये चीज चेंज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा गया कि किसी डायरेक्टर का, किसी ऑफिशियल का, कोई सीईओ का, सीएफओ का, किसी इस तरीके की चीज का जो बहुत पावरफुल इंसान है, उसके अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, या तो उसका अपॉइंटमेंट, या उसको चेंज करना, या उसका कुछ भी इस तरीके की उसकी पावर्स को चेंज करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, उस मैटर में तुम ये समझ रहे हो कि यार एसआर 75% भी कम है, हमें कम से कम 90% तो चाहिए, 90% उसके अंदर वोटिंग राइट होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, कि जब तक 90% लोग इस चीज को एग्री नहीं करते तब तक ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक 90% लोग इस पे एग्री नहीं करते, तो इसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट करना। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कोई भी डिसीजन मेकिंग को और थोड़ा सा टिपिकल बना देना, कि अगर मुझे आर्टिकल्स में चेंज करना है, अगर मुझे एओए चेंज करना है, तो इसमें अब एसआर नहीं लगेगा, इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन है, 90% वोटिंग राइट चाहिए, 90% मेजोरिटी मानूंगा मैं, 90 अगर 89% लोग भी एग्री कर रहे हैं तो इस चीज में चेंज नहीं हो सकता, 89% लोगों पे भी इस चीज में चेंज नहीं हो सकता। तो मैं क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि अगर मुझे एओए को अल्टर करना है, अगर मुझे बच्चों एओए को चेंज करना है, तो फिर हम एसआर से भी ज्यादा कोई परसेंटेज रखेंगे, इसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट करना। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा है एंट्रेंचमेंट के बारे में, क्या लिखा है, द आर्टिकल्स मे कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है उसको प्रोटेक्ट करना है, टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स मे बी ऑल्टर्ड, स्पेसिफाइड प्रोविजंस मे बी ऑल्टर्ड, वो कब ऑल्टर हो सकते हैं, इफ conditions or procedures that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution, यानी कि हम इसे special resolution से भी ज़्यादा restrictive बनाना चाहते हैं। उसके बाद manner of inclusion of entrenchment provision, entrenchment को आप AOA में कब डाल सकते हो, देखो यार दो तरीके से हो सकता है, या तो जब कंपनी बन रही हो, जब कंपनी फॉर्म हो रही हो, जब कंपनी बन रही है तभी आप entrenchment का provision डाल दो, वो तो आसान है, क्योंकि आप जब बनाओगे तो आरओसी को आप एमओए भी भेजोगे, एओए भी भेजोगे, सब कुछ भेजोगे, वो चेक करेगा, तो या तो जब कंपनी फॉर्म हो रही हो आप तब, या फिर जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है फिर आप उसके अंदर एंट्रेंचमेंट का एक चेंज आपको लेके आना पड़ेगा, आपको एओए में चेंज करना पड़ेगा। अब उसके अंदर पब्लिक कंपनी के लिए अलग चलता है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग चलता है नियम, वो मैं आपको भी पढ़ाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन द फॉर्मेशन, या तो एंट्रेंचमेंट जब कंपनी बन रही है तभी आप कर सकते हो, या फिर आप आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर सकते हो बाद में भी, यानी दो तरीके से एंट्रेंचमेंट हो सकता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट हो सकती है, कोई भी प्रोविजन चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है, या तो फॉर्मेशन के टाइम पे डिफिकल्ट कर दो, या फिर बाद में आप उसको अमेंड कर लो। ठीक है, परफेक्ट है। अब अमेंडमेंट कैसे होगा, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो फिर ऑल द मेंबर्स कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, जितने भी लोग हैं सबका कंसेंट चाहिए अमेंड करने के लिए। आप कोई इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना चाहते हो अगर एओए में, आप प्राइवेट कंपनी हो तो सबका कंसेंट चाहिए, 10 लोग हैं तो 10 के 10 का चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो फिर आपको एसआर पास कराना है, एसआर का मतलब वही 75%। ठीक है या नहीं है बच्चों, इसका मतलब एंट्रेंचमेंट या तो शुरू में ही प्रोविजन डाल दो एंट्रेंचमेंट का, शुरू में नहीं डाला तो फिर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो सब लोग एग्री करेंगे तो ही हो पाएगा, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, डन सर, देखो जरा क्या क्या है,
कंटेन्स रेगुलेशंस हो गया, इंक्लूजन्स ऑफ मैटर क्या क्या आएगा, एंट्रेंचमेंट क्या होता है, किस तरीके से चलेगा और कैसे आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ठीक है। अब आर्टिकल्स में जब वो एंट्रेंचमेंट के बारे में लिखा है तो आपको रजिस्ट्रार को वो नोटिस तो देना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में चीज़ें कहाँ लिखी हैं, एमओए के बारे में कहाँ पे लिखी थी, टेबल ए बी सी डी ई लिखी थी या नहीं लिखी थी, टेबल ए बी सी डी ई में क्या लिखा था एमओए के बारे में। उसके बाद एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे याद रखना, शेड्यूल वन में ये सब आर्टिकल्स के बारे में बताता है, सही है जी। उसके बाद मॉडल आर्टिकल्स कंपनी या तो अडॉप्ट कर सकती है यही वाले एफ जी एच आई जे, या फिर अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसमें कुछ खास चीज़ें ऐसी एज इफ लिखी नहीं हुई, यही एओए के बारे में रीड ओनली टॉपिक है, पता होना चाहिए आपको, दैट इज इट। उसके बाद बच्चों डिफरेंसेस आ रहे हैं एमओए और एओए में, ये आप लोग एक बार अच्छे से आज खुद से रीड करोगे और मुझे बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो सबसे पहले एमओए और एओए के बारे में, ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव बता रहा है यार, एक रूल्स बता रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप, एमओए रिलेशनशिप दिखाता है आउटसाइड के साथ, आर्टिकल दिखाता है इनसाइडर्स के साथ। ऑल्ट्रेशन किस तरीके से हो सकता है, लिखा हुआ है मेमोरेंडम को ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ कुछ ही सिचुएशंस में हो सकता है। एओए को ऑल्टर करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है। अच्छा, अगर एमओए आपको ऑल्टर करना है तो वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है रीजनल डायरेक्टर से या तो ट्राइब्यूनल से, ये याद रखना, ठीक है। एमओए को ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, एओए को ऑल्टर करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अल्ट्रा वायरस की जब हम बात करते हैं तो आप समझते हो जो मेमोरेंडम से बाहर है वो पहले दिन से वॉइड है, रेटिफाई नहीं हो सकती, और जो आर्टिकल से बाहर है वो रेटिफाई हो सकती है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं बच्चों जो हमारा एओए और एमओए में लिखी हुई हैं, मॉड्यूल में लिखी हुई है। अब हमारे पास बस एक डॉक्ट्रिन लास्ट बचा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसके एक्सेप्शंस बचे, वो मैं आपको कल कराता हूँ और आपका पूरा कंपनी लॉ हो जाएगा समाप्त। आई होप आप लोग को पूरा कंपनी लॉ बढ़िया तरीके से समझ आया है। आज वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, बड़े ध्यान से समझना है, देखना है, केस लॉ से पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा लॉ खत्म करते ही, बस कल लॉ खत्म हो जाएगा, परसों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो फिर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, बता भी दूंगा आंसर कैसे लिखने हैं और बढ़िया तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। लॉ की जिम्मेदारी ले ली तो ले ली, बढ़िया तरीके से कराऊंगा, सिलेबस करेंगे, रिविजन करेंगे, वन शॉट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करेंगे, सब कराऊंगा, स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।